बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। क्या हुआ माता, आप अकस्मात ही उठकर उत्तर दिशा की ओर क्यों देखने लगी? अल्लाह, मुझे मेरे स्वामी के पावों की पच्छाप सुनाई दे रही है। मेरे स्वामी आ रहे हैं मेरी ओर। ये हुंकार, ये शंख ध्वनि कैसे? मेरे प्रभु आ रहे हैं मुझे लेने। विहान में धर्म युद्ध ठान के चल पड़े पराक्रमी छातियों को तान के। सत्य के विहान में धर्म युद्ध ठान के चल पड़े पराक्रमी छातियों को तान के। एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक ही है नाम, राम। आप मेरे कंधे पर आरूढ़ होकर मेरी शोभा बढ़ाइए। हाँ लक्ष्मण जी, आप भी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। सेतु हुआ निर्मित, अथक लगे प्रयास, रख दिए चरण प्रभु ने, छा गया उल्लास। नल नील अंगद सब वीर चल दिए, लेके बजरंग सुग्रीव का विश्वास। कैसी पीड़ा, क्या थकान, कैसा विश्राम, राम राम जय श्री राम। कैसी पीड़ा, क्या थकान, कैसा विश्राम, राम राम जय श्री राम। जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। धर्म की अधर्म पे है जीत सुनिश्चित, सत्य से असत्य होता या पराजित। भोर होने वाली है, रात मिट रही, सृष्टि सारी है प्रसन्न, देव है पुलकित। पूर्णता की ओर चला राम जी का काम, राम राम जय श्री राम। पूर्णता की ओर चला राम जी का काम, राम राम जय श्री राम, 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 राम राम जय श्री राम। देख लिया लंकेश, भारतवर्ष से लंका तक सेतु बना डाला उन वानरों ने जिन्हें तुम तुच्छ समझते थे। अब वो वानर सेना तुम्हारी लंका तक आ गई है।
अब तुम भी अपना वचन निभाओ। वचन? कैसा वचन सूर्यदेव? मैंने वचन दिया था। हाँ, माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने का वचन। नहीं, मैंने कोई वचन नहीं दिया था। तुम्हारी संस्कृति में तो वचन की मर्यादा का कोई मोल ही नहीं। ठीक है, किंतु अब जब वानरों की इतनी विशाल सेना तुम्हारी इस लंका में प्रवेश कर रही है, जिसे तुम देवताओं से भी अभेद्य समझते थे, अब तुम क्या करोगे रावण? प्रभु, उस दुष्ट रावण की लंका अब आपके सम्मुख है। आप आदेश दीजिए कि करना क्या है। रावण के दोनों दूत शुक और शारण को मेरे सामने उपस्थित करो। सूर्यदेव, ये सेना नहीं मात्र भीड़ है। ये बुद्धहीन वानरों और मूर्ख भालुओं का समूह है। ये सब लंका तक आ तो गए, किंतु अब लंकेश इन्हें और आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं देगा। एक अवसर दे रहा हूं मैं राक्षस राज रावण को। जाओ और बताओ रावण को राम की सेना और सामर्थ्य के बारे में। जो कुछ भी तुमने देखा उसे विस्तार से बताओ रावण को और कहना हम युद्ध नहीं चाहते। यदि अभी भी रावण पूर्ण सम्मान के साथ देवी सीता को लौटा दे और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध किए बिना ही लौट जाऊंगा। अब इन्हें बिना युद्ध किए यहां से रावण जाने भी नहीं देगा। इन सब के शीश काट कर बलि चढ़ाएगा ये रावण अपनी लंका की धरती पर। यदि उसने देवी सीता के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया तो इसी लंका की धरती पर रावण का शीश गिरा देगा मेरा बाण। प्रणाम लंकेश। आओ आओ मेरे प्रिय गुप्तचरों, अब भी मुझे देने के लिए कोई गुप्त समाचार है तुम्हारे पास? मूर्खों, उन्हें तुमसे पूर्व ही अपनी उस वानर टोली को लेकर यहाँ धमका है। लंकेश, वो कोई साधारण नर नहीं है। निश्चित ही दिव्यात्मा है वो। दिव्यात्मा ही नहीं, मैं तो कहूँगा परमात्मा ही है। मेरे क्रोध को जागृत मत करो। शत्रु का गुणगान कर रहे हो मेरे समक्ष, वो भी असफल होकर लौटने के बाद। सम्मोहित करने गए अवश्य थे, परंतु प्रतीत होता है स्वयं उसके सम्मोहन से वशीभूत हो गए हो तुम दोनों। हाँ लंकेश, हमने अपनी राक्षसी माया से वानरराज सुग्रीव को सम्मोहित किया था, किंतु पकड़े गए। किंतु उन महान नर श्री राम ने क्षमा कर हमें अपनी दया और दिव्य शक्ति से वशीभूत कर लिया और अपनी अतुलित भक्ति से उस वानर ने प्रभावित कर हमें सम्मोहित कर लिया। लंकेश, दुष्टो, दुष्टो, उस नारा वानर की प्रशंसा सुना रहे हो मुझे? रुको, अभी मृत्यु दंड देता हूं तुम्हें। हम तो आपके दूत है महाराज, हमें क्यों मार रहे हैं महाराज? बस, अब एक और शब्द भी नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। शत्रु का गुणगान करने वाले तुम्हारे मुख को सदा के लिए शांत कर दूंगा। अरे बचो बचो, हम तो मात्र दूत है महाराज, महाराज क्यों मारते हैं? बचो शुक, बचो, हमें मत मारिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। लंकेश,
लंका और अपनी भलाई चाहते हैं तो सौंप दीजिए माता सीता प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की शरण स्वीकार कीजिए। शीघ्रता से प्रस्थान कर जाओ यहाँ से शुक। अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु प्रणाम। प्रभु क्षमा। प्रभु हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोटिल और दुष्ट लंकेश का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके हम। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रणाम पिताश्री। शान, श्री राम कोई साधारण नर नहीं है। उनकी अपार शक्ति और पराक्रम को देखने का प्रयत्न करो। आप धन्य हैं प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने। प्रभु की भक्ति में लीन होकर शरण में जाने तक उस राक्षस का सेवक बनने का श्राप था मुझ पर, और आज आपकी शरण में आकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूं। अब मैं ऋषि शुक अपने गुरु ऋषि अगस्त्य का सानिध्य पा सकूंगा। जय श्री राम। 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 अपने नेत्र खोलो और देखो रावण, कैसे प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि से शुक श्राप मुक्त होकर पुनः ऋषि बन गए। मैं तुम्हें पुनः चेता रहा हूं रावण, नर नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। और जिनका हरण करके तुम लाए हो वो और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी। और जिन प्रतापी वानर ने लंका को अग्नि में झोंका है वो राम दूत और कोई नहीं अपितु तुम्हारे आराध्य महादेव शिव के अंश। संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हो तो अपने ज्ञान का सदुपयोग कर। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। ना तुम बचोगे। ना तुम बचोगे। ना तुम बचोगे। और ना ही तुम्हारा। ना ही कोई कोई कोई। युद्ध हो तो हो जाने दो से। सर्वनाश हो तो उसे भी हो जाने दो। मेरे अपने ही नहीं समस्त संसार भी मेरे विरुद्ध हो जाए तभी तो शानन रावण नहीं झुकने वाला। कदापि नहीं लौटाऊंगा मैं सीता को। कभी नहीं झुकूंगा वनवासी नर के सामने। नहीं झुकूंगा। यही वो नगरी है जिसने मेरी सीता को मुझसे दूर रखा। सीता की एक झलक भी पा लेता तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। माता, आपका अंदेशा सही था। प्रभु श्री राम अपनी सेना को लेकर यहाँ पहुंच गए हैं और अपनी सेना के साथ
सुवेल पर्वत पर स्थित हैं। कहाँ है सुवेल पर्वत? बताइए ना मुझे त्रिजटा, किस दिशा में है जहाँ मेरे नाथ मेरे स्वामी स्थित हैं? बताइए मुझे त्रिजटा। मर्यादा भंग कर बिना रावण को युद्ध में परास्त किए प्रभु श्री राम माता जानकी से कदापि भेंट नहीं करेंगे, अन्यथा मैं उन्हें अभी माता के निकट ले जाता। परंतु माता के लघु दर्शन तो प्रभु को अवश्य करवा सकता हूं मैं। प्रभु, माता सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी हैं। कौन सी दिशा में है त्रिजटा, बताइए ना मुझे। राम सिया दो लंका माई, नैन विकल दर्शन अकुलाई, तो मनो दशा हनुमत जाने, मर्यादा पर किस विध त्यागे। कैसे बिनू लंकेश संहारे, मिल आए रघुवीर प्रिया से, नैनन सुने हृदय द्रविता, राम दशा पर कपीश व्यथिता। प्रभु, ये स्वर उस दिशा से लंका के राजप्रासाद से आया है। माता सीता का हरण कर प्रभु श्री राम को असहनीय पीड़ा देने वाला ये दुष्ट रावण भोग विलास में लिप्त रहे, ये सर्वथा अनुचित है। मैं इसे अभी दंडित करूंगा, अभी। रावण, हमारे महाराज दुष्ट रावण को दंडित करने स्वयं चले गए। महाराज की वीरता अदम्य है। हाँ, दुष्ट रावण हमारे महाराज के प्रहार को सह नहीं पाएगा। रावण, ये मेरा प्रथम प्रहार था। सुनो, तुम्हारे आनंद मनाने के दिन समाप्त हुए। मेरे ही राजप्रासाद में आकर मुझ पर प्रहार करने का दोस्साहस कैसे किया तुमने तुच्छ वानर? अभी बताता हूँ असुर कैसे।
आज सुग्रीव तो रावण से भिड़ गए। दुष्ट रावण अब बच नहीं पाएगा। हाँ रावण कहीं भ्राता सुग्रीव को क्षति न पहुंचा दे। अब रावण की मायावी शक्तियों का सामना करो। हनुमान, समय आ गया है, प्रस्थान करो। बिना विचारे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।